हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं समस्त के और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सर्कुलेशन पर। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सर्कुलेशन मीनिंग मूवमेंट ऑफ समथिंग इन ए सर्किट, मीन्स कोई भी चीज है उसका सर्किट में घूमना। मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और फिर घूम फिर के उसी पॉइंट पर ख़त्म होती है, तो फिर इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। पर फ्रेंड्स, अभी हम जो कि बात करने जा रहे हैं वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्लड की बात करने जा रहे हैं। ब्लड एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर पूरी बॉडी में घूमता फिरता फिर से उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें। फ्रेंड्स, अब वो जो पॉइंट है जहाँ से ब्लड सर्किट करना स्टार्ट होता है, मतलब घूम फिर के वापस आता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हार्ट। तो फ्रेंड्स, ब्लड एक फ्लूइड है। ओके, ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ट्रेवल करता है किस रास्ते से, कोई पाथवे तो होगा जिससे वो ट्रेवल करता होगा, और वो पाथवे है जिसको हम बोलते हैं वेसल्स। वेसल्स के जरिए वो ट्रेवल करता है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ट्रेवल के बाद वो जाकर सेल के अंदर दाखिल होता है। सेल के अंदर दाखिल होने के बाद भी वहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको ब्लड कैरी अपने साथ कैरी करके फिर वहाँ पर वापस ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पर जो भी सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो भी सर्कुलेशन होता है वो ओपन होता है, वेसल्स के साथ बंद नहीं होता। तो फिर वो कहाँ पर पाया जाता है, वो कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ऐसे ही और भी इंसेक्ट होते हैं जहाँ में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और फ्रेंड्स, हाँ, सेकेंड पार्ट है जो कि है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मैमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनमें पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, चलो ठीक है, पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो भी प्रोसेस होता है वो क्लोज्ड होता है वेसल्स से। अब वेसल्स से क्लोज होता है पर ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कैसे पास होंगे। आपको बता दें कि वेसल्स होता है और टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ सेल्स के बने हुए होते हैं और सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाना होता है। वेसल्स के अंदर जो कि ब्लड होता है, पर वेसल्स और टिश्यूज़ के बीच में भी कुछ रास्ता होता है, कुछ फ्लूइड होता है इंटरटिशियल फ्लूइड कहा जाता है। अब क्या होता है कि वेसल्स के अंदर ब्लड्स होते हैं, ब्लड्स वेसल्स इतनी छोटी होती हैं कि दो या तीन ब्लड्स एक साथ नहीं ट्रेवल कर सकते, वो अलग अलग एक एक ब्लड सेल्स के वहाँ से गुजरते हैं। और जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ही वहाँ से पास हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन वगैरह ऐसे ही पास हो सकते हैं। वहाँ पर वेसल्स में कुछ सोराख होते हैं, छोटे छोटे सोराख होते हैं जहाँ से वो ग्लूकोज एक्सेट्रा वो पास हो सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, क्या होता है कि वेसल्स के अंदर ब्लड्स और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फिर वहाँ पर प्रेशर पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। तो फिर वहाँ से क्या होता है कि सोराख से इतने बड़े प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो सोराख होता है, सोराख से वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर टिश्यूज़ में और फिर फ्लूइड के वजह से फ्लूइड से पास होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं टिश्यूज के पास। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि टिश्यूज़ से जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल, वो बाहर वो ब्लड्स के साथ कैसे मिलता है। वहाँ पर टिश्यूज़ में भी एक प्रेशर पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वहाँ से जो कि वेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ से निकलता है और फिर ब्लड के साथ। Thank you for watching this video. Please subscribe, like, or share the video for the new videos.